अब वही करना है जो दिल चाहेगा, बाद में जो होगा साला देखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा कि मैंने ये वीडियो शूट कैसे करा, कलरफुल लाइट कैसे ऐड करी एंड लाइट कौन कौन सी ऐड करी इसमें, एंड एडिट कैसे करा इसके साथ ये भी बताऊंगा, एंड इसमें शेक वाले इफेक्ट, स्लो मोशन एंड मैनी मोर इफेक्ट कैसे ऐड करें और आप कैसे कर सकते हो, सब डिटेल दूंगा। एंड मैं इस टॉपिक पर इसीलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम पर पूछा था कि इस टॉपिक पर मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँ या नहीं, उसमें ऑलमोस्ट यस ही आया है। सो सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मार्क्स वाला, कैसे शूट किया एंड कैसे एडिट किया एंड ये बैकग्राउंड कैसे लगाया, कैसे कलरफुल किया, इसके ऊपर यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करूं या नहीं बताओ। इसलिए अपलोड कर रहा हूं एंड आप बोलो और मैं ना करूं ये हो सकता है, आप बोलो तो जान पर मान मत लेना। मगर क्यों देखो इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है। सो वीडियो को करते हैं शुरू, हाउ आई शूट माय इंस्टाग्राम रील्स वीडियो। सो हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिस्टी। सो गाइस सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मुझे इसमें वीडियो शूट करने में कौन कौन सी लाइट लगी। सो इसमें मेरे पास एक रिंग लाइट लगी है जो यहाँ पर लगी हुई है, एक कलरफुल लाइट लगी जो मैं आगे बता दूंगा कि कौन सी कलरफुल लाइट है एंड आपको कैसे मिल सकती है ये कलरफुल लाइट, एंड एक मिरर लगा हुआ था, मोबाइल लगाया हुआ था। सो चलते हैं वहां पर एंड शूट करके बताते हैं, वहां पर मिरर है। सो ये वीडियो शूट करने के लिए मेरे पास एक रिंग लाइट है, आपको ये रिंग लाइट चाहिए सो इस रिंग लाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है कि इस रिंग लाइट के साथ क्या क्या आता है एंड कितने कितने इंच की है, सब डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई हुई है, आप ये वीडियो देख लेना, लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का। सो सेकेंड लाइट है हमारे पास ये कलरफुल, इसमें सभी टाइप के कलर आपको मिल जाएंगे, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा एंड इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो चाहिए सो मुझे बताना, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसमें क्या क्या फीचर है। सो इसमें इसके साथ एक रिमोट भी आया था, ये रहा, इसमें सभी कलर हैंडल कर सकते हैं एंड ये मार्क्स है जो मैं आगे बताता हूँ। तो ये मिरर है, इसमें मैंने वीडियो शूट अपलोड की थी, ये रिंग लाइट हो गई, यहाँ पर मैं मोबाइल लगाऊंगा अपना एंड पीछे कलरफुल लाइट मैं आपको बताई थी। सो मैं यहाँ पर मोबाइल लगा कर बताता हूँ कि कैसे एंगल लिया मैंने। सो यही है, यही मैंने एक लाइट लगाई एंड कलरफुल लाइट लगाई एंड यहाँ पर ट्राइपॉड रखा हुआ है, इसमें मैंने मोबाइल लगा दिया एंड ये मार्क्स है जो मैंने आपको होली में परचेज कर सकते हो, होली में परचेज किया था। सो ये मार्क्स पहन लिया। इससे वीडियो काफी अट्रैक्टिव एंड यूनिक लगता है, मैं पीछे कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। इस रिमोट से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यह कलर चेंज अगर आप इसे परचेज करते हो सो बहुत सही लाइट है एंड मुझे काफी हेल्प मिलती है एंड मैंने ये एक साल हो गए परचेज किए हुए। सो आप चाहो तो इसे परचेज कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसका रिमोट भी इसके साथ आता है और जो मैंने यहाँ पर रख दिया एंड ये एक रिंग लाइट है जो कम ज़्यादा हो जाती है ब्राइटनेस इसका, इसके ऊपर मैंने वीडियो बताई थी अपलोड किया हुआ है। सो ये कलरफुल लाइट हो गई सिंपल, इसके इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगा, बैकग्राउंड में मेरे को ज़्यादा नहीं है, टेडी बियर लगा हुआ है एंड ये कर्टन लगे हुए हैं। सो इंस्टाग्राम रील्स वीडियो शूट करते टाइम ऑलमोस्ट हेयर ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे मैंने ये वीडियो शूट किया एंड यहाँ पर मैंने एक्ट शुरू कर दिया। प्रॉपर दूर से ये है सेटअप एंड मैं एक रूम टूर वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट मेरा वीडियो देखने ये ऑडियंस भी आई हुई है, ये ऑडियंस निखिल भैया के वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। सो अब आपको बताता हूँ आपको वीडियो एडिट कैसे करना है। सो एडिट करने के लिए आपको VN एप्लीकेशन चाहिए होगी, आपको पता ही होगा ये प्ले स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगी। सो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है एंड आपको जो भी वीडियो एडिट करना है वो सिलेक्ट कर लेना है, आपको तीर वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पर वीडियो सिलेक्ट हो गया है, इसमें साउंड ऐड करते हैं। साउंड ऐड करने के लिए आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करके म्यूज़िक पर क्लिक करना है, बीच वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड जो भी आपको साउंड ऐड करना है वो ऐड कर लेना, जैसे इस वीडियो का मुझे ये साउंड ऐड करना है। सो ये साउंड ऐड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, डन पर क्लिक करना है एंड इनमें से एक में सिलेक्ट कर लेना, इसमें सिलेक्ट होने के बाद यूज़ पर क्लिक करने के बाद राइट पर क्लिक कर लेना, ये यहाँ पर साउंड आ गया है आपका। कुछ कलर ग्रेडिंग करते हैं, कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको इस फिल्टर वाले आइकन पर क्लिक करके एडजस्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर लेना, जैसे मैं करके बता देता हूँ।
कंट्रास्ट को ज़्यादा कर लेना, ऐसे क्वालिटी नेक्स्ट लेवल हो जाती है वीडियो की। अगर आपके पास क्वालिटी की कमी है सो आप ऐसे कर सकते हो, मैं ऐसे ही करता हूँ, हर वीडियो की क्वालिटी और बढ़ जाती है ऐसे करने से। कलर में ब्राइटनेस आ जाता है, या आपको ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए ऊपर नीचे से सो आप ऐसे कर लेना। एंड आप लास्ट में जाकर हाइलाइट्स को ज़रूर, इम्पोर्टेंट है, एक हाइलाइट्स इम्पोर्टेंट है, एक ये इम्पोर्टेंट है, एक कंट्रास्ट ये इम्पोर्टेंट है, इनमें आप सिलेक्ट करके एडजस्ट कर लेना, यहाँ से हो जाएगा। देखो पहले वीडियो ऐसा था, अब ऐसा हो गया। इसमें मैं एक दो PNG लगाए थे सो लगाता हूँ, चैन वाले PNG लगाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने चैन वाले PNG लगाए हुए थे, एक ये रहा PNG, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड ये PNG आपको लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल नहीं सकता बिकॉज इसका कोई लिंक नहीं है, सो इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर देना, मैं इंस्टाग्राम पर आपको सेंड कर दूंगा। ये लिख देना कि वो PNG चाहिए, सो मुझे याद आ जाएगा कि मैंने ऐसा कुछ बोला हुआ है। सो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको वीडियो में इफ़ेक्ट ऐड करना है सो इफ़ेक्ट कैसे ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने इफ़ेक्ट ऐड किया था, सो जहाँ पर इफ़ेक्ट ऐड करना है वहाँ पर आप जाना। जैसे मुझे यहाँ पर इफ़ेक्ट ऐड करना है, स्प्लिट पर क्लिक करके कट लगा लेना एंड यहाँ पर VFX वाले पर क्लिक करके इफ़ेक्ट ऐड करना है। एक मिनट में साउंड ऑफ कर देता हूँ। सो VFX वाले पर क्लिक करके यहाँ पर मैंने इतने सारे इफ़ेक्ट, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना जो भी आपको अच्छा लगे। सो मैं यहाँ ये कर देता हूँ एंड कुछ देर बाद एक और लगा देता हूँ, कोर ऐसे करके आप 3 से 4 इफ़ेक्ट लगा लेना। आप और कोई अच्छा चाहो और कोई देख लेना, जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट आपको मिल जाएंगे, सो जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लेना। मैं ब्लैक एंड वाइट मैंने किया था, एक पार्ट वाइट एक पार्ट ब्लैक एंड वाइट, वो कैसे किया था। सो इसके लिए आपको जो पार्ट ब्लैक एंड वाइट करना है उस पार्ट पर क्लिक करके फ़िल्टर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आप ब्लैक एंड वाइट फ़िल्टर चूज़ कर लेना, यहाँ पर ऐड कर देना। सो मैंने ये पार्ट वाइट रखा था, ये पार्ट ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ। सो ये हो गया एंड ये पार्ट वाइट ही रखा, ये पार्ट ब्लैक एंड वाइट। मैं वीडियो को ऑन करके आपको बताता हूँ। मुझे तो अच्छा लगा ये वीडियो। अगर आपको स्लो मोशन ऐड करना है सो स्लो मोशन ऐड करने के लिए लेयर पर स्लो मोशन ऐड करने है उस लेयर पर जाना एंड स्पीड वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हो एंड यहाँ से भी कर सकते हो। नीचे करोगे स्लो हो जाएगा, ऊपर करोगे सो फास्ट हो जाएगा ऐसा। एंड कुछ यूनिक इफेक्ट और है जो आप ऐड कर सकते हो, इसके लिए आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके ये वाला इफेक्ट ऐड करना, ऐड हो जाएंगे। मैं ऑन करके बताता हूँ, सॉन्ग भी ऑन करता हूँ। वही करना है जो दिल चाहेगा, बाद में जो होगा साला देखा जाएगा। यहाँ से आप देख लो कितना अच्छा एंड कितना यूनिक लग रहा है। सो ये हो गया हमारा वीडियो एडिट। इसके लिए एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको तीर वाला आइकन पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है एंड ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। तो सेव टू एल्बम कर देना, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो गया है। बस इतना ही था। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर कुछ भी समझ में ना आया एंड कुछ भी डाउट हो सो कमेंट करके पूछ लेना एंड लाइक करना, कमेंट करना एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना एंड सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जाना। सो तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, पीस आउट एंड सबसे इम्पोर्टेंट अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। टेक केयर, साइनिंग ऑफ।